हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं राम यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं आपके बीच। तो अब तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप कंटिन्यू आती रहेंगी। और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो मिलना चाहिए ना आपको टाइम पे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का। आज की वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की प्लानिंग, कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कैसे प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज हम डिटेल में जानेंगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के प्लानिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कब कब प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे आपको आपका जो टारगेट है वो अचीव बहुत आसान तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले आपको मंथ के शुरुआत में पहली प्लानिंग करनी होती है, फिर दूसरी प्लानिंग जो होती है वो वीक के शुरुआत में करनी होती है, तीसरी प्लानिंग जो करनी होती है वो डे के शुरुआत में करनी होती है, और जो चौथी प्लानिंग करनी होती है वो करनी होती है जब किसी आउटलेट पे आप जा रहे हो, यानी आउटलेट विजिट से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है। तो आप सबसे पहले जान लेते हैं कि मंथ के शुरुआत में हमें क्या क्या प्लानिंग करनी होती है। तो जैसा कि आपको पता है या अब तक आपको मिल भी रहा होगा कि हर महीने के फर्स्ट या सेकेंड तारीख को आपको आपका टारगेट मिल जाता है। तो जब आपको आपका टारगेट मिल जाता है तो उसके बाद में जो है, अब आपको वो टारगेट को सबसे पहले अपने जो टॉप 20 आउटलेट है, वीक वाइज प्लानिंग कर लो, बीट वाइज आप प्लानिंग कर लो। बीट वाइज में जो आपके हर एक बीट के टॉप 20 आउटलेट हैं जहां से आपको सेल आता है, उसको प्रॉपर मेंशन कर लीजिए, और हर एक बीट पे जो आउटलेट है वो टॉप 20% आउटलेट, वो आउटलेट को आप नाम मेंशन कर लीजिए, वहां पे बिजनेस क्या करने वाले हैं और पर आउटलेट कितना सेल्स वॉल्यूम करेंगे, सेल्स वैल्यू क्या होगी, और उस आउटलेट पे नंबर ऑफ एसक्यू कितने प्लेसमेंट करेंगे, हर एक टाइप के डिटेल्ड में जो है प्लानिंग और प्रिपरेशन कर लीजिए। तो एग्जांपल अगर लेते हैं कि आपके पास 6 बीट है और हर एक बीट पे मान लीजिए फर्स्ट बीट में 40 आउटलेट है, सेकंड बीट में 38 आउटलेट है, थर्ड बीट में 37 आउटलेट है, फोर्थ बीट में जो है 35 आउटलेट है, फिफ्थ बीट में फिर 40 आउटलेट है और सिक्स बीट में 35 आउटलेट है। तो इन जो फर्स्ट बीट के थे इसका 20% आउटलेट हमेशा जो होता है वो की अकाउंट आउटलेट होते हैं, जिसमें से होलसेलर और जो ए क्लास आउटलेट होते हैं वो आउटलेट होते हैं। तो ये एक एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होलसेलर और ए क्लास आउटलेट को हम अलग कर लेते हैं, टॉप 20% आउटलेट को अलग कर लेते हैं, और फिर उसके द्वारा जो है, जिससे आपको इजी होगा समझने में, फिर हम अपना बिजनेस वहां पे प्लान कर सकते हैं। और फिर हमें आइडिया भी रहेगा, जब भी हम उस स्पीड पे जा रहे हैं तो हमें पता होगा कि किस आउटलेट से हमें कितना बिजनेस जनरेट करना है और किस आउटलेट पे कितना एसक्यू सेल करना है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट होता है बीक वाइज प्लानिंग। अब हमने बीट वाइज प्लानिंग कर ली है, अब बीक वाइज, तो बेसिकली एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो उन 4 वीक में आपको डिसाइड करना है कि कौन से वीक में कौन कौन सी बीट आती है, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट वीक में जो 6 आउटलेट आ रहे हैं वहां से हमने 25,000 का बिजनेस प्लान किया हुआ है, सेकेंड वीक जो है वहां से जो है जो बीट है वहां से हमने 30,000 का बिजनेस प्लान किया हुआ है, फोर्थ जो थर्ड वीक आ रहा है वहां से हमने अगेन 25,000 का प्लान किया हुआ है, और जो आपका फोर्थ वीक है वहां पे हमने 20,000 का बिजनेस प्लान किया हुआ है। अब अगर हमें आइडिया है तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल कि अगर आपका बिजनेस फर्स्ट वीक में कम होता है 5,000, तो आप सेकेंड वीक में उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आप 30+5,000 करके। तो जब वीक वाइज आपके पास टारगेट होता है तो मंथ एंड में नहीं, जनरली क्या होता है कि भाई अभी तो 20 दिन बाकी है, अभी तो 10 दिन बाकी है, हम टारगेट पूरा कर लेंगे, फिर लास्ट में प्रेशर, और उस प्रेशर में फिर अच्छी सेल्स पिच नहीं होती है, क्योंकि प्लानिंग तो आपके पास है ही नहीं है एज यूजुअल, तो फिर आपका टारगेट नहीं पूरा होता है। अब हम बात करते हैं कि आपके डे वाइज प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो जब आप आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आप प्रॉपर आपको तैयार होना है। तैयार होने में
कि आप वेल ड्रेसअप्ड हो, आपका शू पॉलिश है, आपने बैग ले लिया है, बैग में आपने चेक कर लिया है कि सेल्स किट आपने रखा हुआ है, और फिर आपके डे प्लानिंग में पहला पार्ट होता है कि आपको 9:00 तक अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंच जाना है। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंच के क्या करना है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको कल जो डिलीवरी हुई थी उसका रिपोर्ट जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन है उससे लेना। ऐसा तो नहीं कि उसका कोई डिलीवरी मिस हुआ हो, अगर मिस हुआ है तो उसको कॉल करके या कुछ भी इश्यूज रहे हो डिलीवरी रिलेटेड तो आप एक बार कंफर्म कर ले। उसके बाद दूसरा प्रिपरेशन कि आप जो है स्टॉक ले लें डिस्ट्रीब्यूटर का, ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ स्टॉक हो फिर आप जो है वो ऑर्डर बुक करके लाएं फिर वो रिटेलर को डिलीवर नहीं होगा, फिर आपको क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तीसरा जो चीज इसमें आ जाता है कि आप प्रॉपर जो है POSM जो आपका पॉइंट ऑफ सेलिंग मटेरियल है जो आप मर्चेंडाइजिंग के लिए यूज करने वाले हैं वो सारी चीजें ले लें, प्रॉपर से वो चीजें ले लें, सैंपल अगर आपको लेना है तो सैंपल ले लें। ये सारी चीजें आप इनिशियल में और आप डिस्ट्रीब्यूटर को बता भी दें कि आप किस बीट पे जाने वाले हो, तो इतनी सारी तैयारी के साथ जो है आप उस बीट पे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी रिटेल आउटलेट पे अगर जा रहे हो तो जाने से पहले क्या क्या प्लानिंग और प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो भाई साहब सबसे पहले तो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देख लो, जिसमें आपके ड्रेसिंग कैसी है, आपके शूज के कंडीशन क्या है, आपके बाल सही से हैं कि नहीं है, ये प्रॉपर बैग चेक कर लो उसमें सारे मटेरियल प्रॉपर हैं कि नहीं है, वो आपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे भी चेक किया है। और अगर आप गुटखा पान मसाला खाते हो, एक तो खाओ ही ना भाई क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप पान गुटखा मसाला खाते हो तो आप पूरी तरह से उसको क्लीन कर लो, थूक दो, फिर पानी से उसको कुल्ला करके हटा दो क्योंकि वो इम्प्रेशन आपका वहां पे अच्छा जाना चाहिए। उसके बाद उस आउटलेट का आपका जो प्लानिंग था कि सेल क्या लेना है, कौन सा SKU सेल करना है, ये सारे एक बार रिमाइंड कर लो, और साथ में उस आउटलेट के अगर कोई क्लेम एक्सपायरी डैमेज कुछ है या पिछला पेंडिंग है तो इसके बारे में भी डिटेल में आप जान लो, जिससे रिटेल पे जाने के बाद आपको कोई गलती आपसे ना होने पाए। तो ये था रिटेल आउटलेट पे घुसने से पहले आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, हमने जाना कि किस तरीके से एक सेल्स पर्सन को प्लानिंग करनी चाहिए, किस किस कब कब और किस किस टाइप की प्लानिंग करनी चाहिए वो हमने डिटेल में जाना। इस टाइप के वीडियो आपको आप कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें नोटिफिकेशन, जिससे आपको टाइम से मिलता रहे। और अगर कमेंट करके आप मुझे बताते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो कैसी लगी, तो उस हिसाब से भी हम उस टाइप के वीडियो ला सकते हैं, अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।